नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम इस मध्य प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानेंगे। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल के बारे में यदि अपन चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये स्थल ऐसे स्थल हैं जो संभवतः हड़प्पा कालीन हुए हैं, हड़प्पा सभ्यता के आसपास के जो है समय के हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इनका संबंध जो कि मध्य प्रदेश से है, तो मध्य प्रदेश के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये लगातार पूछे जाते हैं। और इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे इस यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम चैनल पर जो है वो मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स स्पेशली मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको देखे जा सकते हैं। जैसे आदमगढ़ के बारे में यदि हम बात करें तो इनके बारे में हमें तीन चीजें देखने को मिलती है। कोई भी यदि स्थान है ना जो हड़प्पा कालीन है या प्राचीन प्राचीन इतिहास से संबंधित है मध्य प्रदेश का, तो उसमें तीन चीजें संभवतः देखने को मिलती हैं जो देखना होती है। या तो उसकी खोज किसने करी थी, फिर हमें देखने उसके बाद देखने को मिलता है कि वो मध्य प्रदेश के वर्तमान में किस जिले में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में किस जिले में स्थित है हमें ये देखना होता है। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो फिर हमें देखना होता है कि वहां से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्या मिला है ऐसा जो हमें पढ़ना हो रहा है या पढ़ना पड़ रहा है ना। तो तीन चीजें हमें संभवतः देखनी होती है कि यदि वो उसके खोजकर्ता का नाम पता है तो उस खोजकर्ता का नाम हम पता कर लेंगे, वो वर्तमान में किस जिले में स्थित है वो, और उस स्थान से हमें किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो उसी को जो है हम पैराग्राफ बनाते हुए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करें आदमगढ़ के बारे में, तो आदमगढ़ जो है वो वर्तमान में होशंगाबाद जिले में स्थित है। और आपको पता है होशंगाबाद जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, अतः जो आदमगढ़ है वो भी नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी खोज किसने करी थी, तो खोज जो है इसकी आरबी जोशी साहब ने की थी। तो इनके नाम आपको याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आदमगढ़। उसके बाद मिला क्या क्या है, तो यहाँ से जो है वो हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो आदमगढ़ में शैलाश्रय देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही कम किताबों में मिलता है। आपको याद रखना है, ये आपको मिल जाएगा कि हाँ मादा मेन जो है आपका ये है, तो मानव के पशुपालक होने के जो प्रथम साक्ष्य वो कहाँ से मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं आदमगढ़ से। मतलब मानव जो है कैसे पता चलेगा कि मानव जो है वो पशुओं को पालता था, तो उसके साक्ष्य जो सबसे पहले हैं वो हमें आदमगढ़ से देखने को मिलते हैं। और वहां पे गुफाएं भी स्थित हैं, मतलब गो आदमगढ़ शैलाश्रय के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आदमगढ़ के शैलाश्रय मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भीम बेटिका की। तो ये लगभग सबको सबको पता होता है, भीम बेटिका के बारे में हम बात करें तो इसकी खोज जो है विष्णु श्रीधर बांकड़कर साहब के द्वारा की गई थी। ये बहुत ही प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे, बहुत ही प्रसिद्ध खोजकर्ता थे। ठीक है, इनके नाम पे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो पुरस्कार भी दिया जाता है। श्री विष्णु श्रीधर डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकड़कर जो है इन्होंने खोज की थी भीम बेटिका की। और यहाँ पे मिले क्या हैं, तो सबसे प्राचीनतम शैल चित्र व चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। आपको पता है कि जो शैलाश्रय होते हैं मतलब पत्थरों पर जो चित्र बनाए गए हैं वो सबसे पुराने यानी सबसे पुराने समय के जो शैल चित्र हैं वो कहाँ मिलते हैं, आपको भीम बेटिका के मह में मिलते हैं। और आपको याद रखना है कि ये जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, भीम बेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और एक फैक्ट और आपको याद रख लेना है कि 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश के तीन स्थल जो हैं वह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। एक हो गया आपका भीम बेटिका, दूसरा हो गया आपका सांची के स्तूप, और तीसरा हो गया खजुराहो मंदिर, है ना। तो इन तीनों के नाम बारे में आपको जरूर याद रख लेना है, ये क्या है आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो ये चार पॉइंट आपको याद रख लेने हैं भीमबेटका के बारे में। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं नावदा टोली। नावदा टोली के बारे में यदि हम बात करें तो ये महेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। एक तो ये चीज याद रखना है कि बद आपसे पूछा जाएगा नावदा टोली जो है वो कहाँ पर है, तो ये महेश्वर में, और महेश्वर वर्तमान में खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना है, यदि जिला पूछ लेता है तो आपको खरगोन लगा देना है, और यदि स्थान पूछ लेता है तो आपको मतलब बता देना है महेश्वर में ये स्थित था। ठीक है, फिर किसके द्वारा जो है नावदा टोले की खोज की गई थी, तो डॉक्टर सांकलिया के द्वारा जो है ये खोज की गई थी। नेक्स्ट क्या मिला है यहाँ से, तो झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस तरह के घर मिले हैं नावदा टोली से, झोपड़ी नुमा मिट्टी के
जो घर हैं उनके साक्ष्य मिले हैं, और ये किस तरह के होते थे, या तो चौकोर होते थे या फिर आयताकार होते थे। इतना आपको नावदा टोली के बारे में याद रखना है। मुख्यतः जब संभवतः यही पूछा जाता है कि नावदा टोली मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो खरगोन में, महेश्वर में ये स्थित है। इतना आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हथनोरा के बारे में। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। हथनोरा की जो खोज है ये अरुण सोनकिया के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में ये स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है हथनोरा जो है वो कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। सीहोर बहुत ही इम्पोर्टेंट जिला है मध्य प्रदेश का। जब भोपाल रियासत का विलय हुआ था मध्य प्रदेश में, तो उस समय जो भोपाल है वो तहसील हुआ करती थी और वो सीहोर जिले के अंतर्गत ही आती थी, है ना। सीहोर में ही क्या है, हथनोरा है। ये चीज आपको याद रखनी है। और मानव की खोपड़ी के कंकाल मिले हैं, मतलब जो कपाल होता है मानव शरीर में, खोपड़ी के कंकाल जो है वो मिले हैं। आपको कहाँ से मिले हैं, तो ये आपको मिले हैं हथनोरा से। इतनी चीजें आपको हथनोरा के बारे में याद रख लेनी है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं एरन के बारे में। ये भी महत्वपूर्ण स्थल है। एरन के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो एरन जो है इसका पुराना नाम है एरिकेन। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही प्राचीन स्थल है, फेमस भी है बहुत। और मध्य प्रदेश के सागर जिले में ये जो है स्थित है। यहाँ से यदि हम बात करते हैं, तांबे की कुलाड़ियाँ, सोने के गोल टुकड़े, चित्र, मृदवान, ताम्र, पाषाणकालीन कुछ बस्तियों के भी प्रमाण मिले हैं। अभी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जब हम देखेंगे गुप्त काल में, तो गुप्त काल में एक राजा हुआ है जिसका नाम है भानुगुप्त, और भानुगुप्त का जो है वो एरन अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, जिसमें सती प्रथा के सबसे पहले साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो एरन जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह है सागर जिले में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कायथा के बारे में। तो कायथा जो है इसकी खोज श्री बांकड़कर के द्वारा की गई थी। ये वही बांकड़कर हैं जिन्होंने भीम बेटिका की खोज की थी, तो आपको इनके बारे में याद रख लेना है। डॉक्टर बांकड़कर के द्वारा जो है कायथा की खोज की गई थी। कायथा जो है ये ताम्र पाषाण कालीन, ठीक, आपसे पूछा जाएगा कायथा निम्नलिखित में से किस काल की बस्ती थी, है ना, पुरापाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन, ताम्र पाषाण कालीन या नव पाषाण कालीन। तो आपको ताम्र पाषाण कालीन पे क्या लगा देना है, टिक लगा देना है। इसलिए आपको याद रखना है कायथा की खोज जो है बांकड़कर साहब के द्वारा की गई थी, है ना। और अन्य फैक्ट के बारे में भी हम बात करें, तो वराह मेहर की जन्मभूमि भी रही है। वराह मेहर बहुत ही बड़े खगोल शास्त्री रहे हैं भारत के, इनके बारे में याद रखना है। और अभी वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो कायथा और नागदा दोनों जो है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में आते हैं। दोनों ही बहुत ही पुराने ऐतिहासिक स्थल है। नेक्स्ट आता है आपका आवरा, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आपको बहुत ही कम सुनने को मिला होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य ये हैं। रोमन सभ्यता से संपर्क के साक्ष्य मिले हैं, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके संपर्क जो है वो रोमन सभ्यता से भी थे, और इसके साक्ष्य मिले हैं कहाँ पे, आवरा में। और ये आवरा जो है ये है मंदसौर जिले में। और यदि हम साक्ष्य के बारे में यदि हम बात करें, तो ताम्र पाषाण कालीन से लेके, मतलब जो ताम्र पाषाण तांबे की कुछ औजार वगैरह भी मिले हैं, और गुप्त काल तक की हमें जानकारी यहाँ से मिलती है। आवरा के बारे में याद रखना है कि मध्य प्रदेश के ये मंदसौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं एक और स्थल है डांगवाला। बहुत ही कम सुनने को मिलता है, बहुत ही रेयर बुक्स में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है इसको। डांगवाला के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये है उज्जैन जिले में। सिर्फ इतना याद रखना है प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है, डांगवाला, ठीक है। फिर है आपका खेड़ीनामा, ठीक है, एक और स्थल है खेड़ीनामा। खेड़ीनामा जो है ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, है ना। और क्या मिला है यहाँ से, तो यहाँ से ये भी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित ये है कि उस समय तांबे का बहुत ही पुरजोर उपयोग होता था, और तांबे के बहुत सारे बर्तन वगैरह भी वहां पे मिले हैं। तो खेड़ीनामा हो गया, और होशंगाबाद में हम पहले एक और पढ़ चुके हैं आदमगढ़ के बारे में, कि आदमगढ़ भी क्या है वहां पे मिला है। तो आपको दोनों के बारे में याद रख लेना है। आदमगढ़ से जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और खेड़ीनामा से ताम्र पाषाणकालीन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, ये है नागदा, ठीक, क्योंकि पिछले साल जब सरकार गिरी थी कांग्रेस की, उस समय नागदा को जिला बनाने की भी जो है वो कवायद की गई थी। सरकार के द्वारा बताया गया था कि नागदा को जिला
बनाया जाएगा, है ना। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है कि नागदा वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है ये उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है, चंबल नदी के तट पर ये बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, बहुत बढ़ता हुआ शहर भी कह सकते हैं इसको। इसका प्राचीन नाम आपको याद रखना है, ये है नागरथ, ठीक है। नागरथ मिलता है यहाँ से भी आपको, यदि हम बात करें तो ताम्र पाषाण बस्ती के मृदभांड मतलब बर्तन वगैरह जो है उनके और अस्त्र शस्त्र भी मिले हैं। तो नागदा जो है एक प्राचीन स्थल है जो कि उज्जैन जिले में स्थित है। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आ जाती है वो है, उसके बाद ये होगा प्राचीन स्थल। प्राचीन स्थल के बारे में बात हम बात करते हैं महाजनपद की, यानी महाजनपदों का जब जो है उदय हुआ, तो आपको पता है कि इतिहास में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्धों के जो ग्रंथ है जिसको अंगुत्तर निकाय कहा जाता है, उसमें मध्य जो है भारत में 16 महाजनपदों के उदय के बारे में जानकारी मिलती है, जिनमें से दो जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित थे। इन 16 जो जनपद हैं इनमें से जो है दो कहाँ थे, मध्य प्रदेश में ही स्थित थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि दो जो हैं तो कौन कौन से थे, एक थे अवंती जनपद था और एक था चेदी जनपद। तो इनके बारे में जो है लगातार MBPSC MPSI और पुलिस वगैरह में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये भैया क्षेत्र कौन था अवंती वाला, तो अवंती वाले के बारे में यदि हम बात करें तो ये क्षेत्र था आपका पश्चिम और मध्य मालवा वाला जो है, ये क्षेत्र माना जाता है कि जो पश्चिम मालवा वाला क्षेत्र था उसको उस समय अवंती महाजनपद कहा जाता था। इसकी दो राजधानियां हुआ करती थी। इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसकी जो उत्तर की राजधानी थी उसको अवंती कहते थे, या उसकी जो उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी उसको उज्जैनी कहा जाता था, जो वर्तमान में उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है। और जो दक्षिण वाला क्षेत्र था उसको माहेशमती के नाम से जाना जाता था, जो कि आज महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको इसके बारे में भी याद रख लेना है कि इसकी दो राजधानियां थी, अवंती महाजनपद की एक उज्जैनी और एक महेशमती, ठीक है। महेशमती आज महेश्वर के नाम से जाना जाता है और उज्जैनी जो है आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, और इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये जो दोनों अवंती थी इन दोनों के बीच में किस नदी का उद्गम या कौन सी नदी जो है बहती थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये बहती थी बेतवा नदी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में MBBSC 2019 में पूछा गया था कि उज्जैन के किस राजा का जो है उल्लेख मिलता है, उज्जैनी का एक प्रसिद्ध राजा है चंड प्रद्योत। तो चंड प्रद्योत का जो है ये उल्लेख मिलता है, जो कि पुलक का पुत्र था। तो आपको चंड प्रद्योत के बारे में बस याद रख लेना है। ये चंड प्रद्योत जो है वो हरेक वंश का एक राजा हुआ है बिंबिसार, है ना। तो बिंबिसार से भी इसके बहुत अच्छे संबंध माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका चेदी महाजनपद। मैंने बताया है कि दो जो जनपद थे वो मध्य प्रदेश में माने जाते हैं। तो दूसरा जो महाजनपद था ये था चेदी महाजनपद, जो उस समय बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आया करता था, मतलब जो आज का बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है जो उस समय चेदी महाजनपद के अंतर्गत आया था, ठीक है। इसकी राजधानी जो है ये सुप्तमती मानी जाती थी, है ना। राजधानियां क्योंकि पूछी जाती हैं 16 महाजनपदों की, तो आपको याद रख लेना है कि इसकी राजधानी जो है सुप्तमती थी और मध्य प्रदेश की कैन नदी के किनारे जो है ये जो है बसा हुआ था, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था चेदी महाजनपद। और चेदी महाजनपद के बारे में यदि हम बात करें तो महाभारत के समय जो कृष्ण का प्रतिद्वंदी जो भगवान श्री कृष्ण थे, है ना, शिशुपाल, है ना, शिशुपाल का जो उल्लेख है वो ऐसा माना जाता है कि इसी चेदी वंश का जो है, सॉरी, चेदी महाजनपद का शासक हुआ करता था। तो इसके बारे में भी याद रख लेना है। चंड प्रद्योत है वो अवंती महाजनपद का है और जो शिशुपाल है वो चेदी महाजनपद का है, ठीक है। उसके बाद जातक कथाएं जो बौद्धों की मानी जाती हैं, है ना, बौद्धों की जातक कथाओं में चेदी की जो राजधानी है उसको सोतीवती नगर भी कहा गया है, इतना आपको याद रख लेना है। और ये दोनों महाजनपद थे, उस समय राजतंत्रात्मक व्यवस्था हुआ करती थी। हम जब पढ़ते हैं 16 महाजनपदों के बारे में तो हम पढ़ते हैं कि कहीं कहीं पे वहां पे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी, तो लेकिन जो हमारी जनपद थी अवंती और चेदी वहां पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, अर्थात राजा ही वहां का सब कुछ हुआ करता था। और राजतंत्रात्मक का मतलब होता है कि राजा का पुत्र ही क्या बनता है, राजा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौर्य काल में मध्य प्रदेश। तो मौर्य काल में मध्य प्रदेश के बारे में भी हम बात करते हैं तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की मदद से ये क्या बनता है, मौर्य साम्राज्य को खड़ा करता है। तो हम ये देखेंगे इस वाले सेशन में कि जो मौर्य काल जो है मध्य प्रदेश का, मैं उसका क्या योगदान है, मध्य प्रदेश में कहां कहां से हमें जो है वो मौर्य काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य,
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी हम बात करें तो मध्य प्रदेश के महेश्वर की एक राजकुमारी थी रतन मंजरी, ठीक है, उसका अपहरण करके जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है उससे विवाह कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार आता है और बिंदुसार का बेटा होता है अशोक। तो अशोक के बारे में तो आपको पढ़ना ही होता है बहुत ही ज्यादा, है ना। तो अशोक के बारे में भी हम बात करते हैं। तो अवंती जो है, अभी मैंने जो बताया था कि जिसको अपन उज्जैन कह रहे हैं आज का, उस समय 11 वर्षों तक वो प्रांतपाल क्या होता था कि जो बड़ा साम्राज्य होता था मौर्यों का, है ना। तो साम्राज्य को जो है वो प्रांतों में बांट दिया जाता था। काय में जैसे आज जो है वो क्या होता है, राज्यों में बटे होते हैं, देश जो है वो राज्य में बटा होता है, उसी तरह से साम्राज्य जो है वो प्रांतों में बटा होता था। तो अवंती उस समय एक प्रांत था। तो बिंदुसार जो उसका पापा था, किसका, अशोक का, तो उसने अशोक को प्रांतपाल बनाया था। कहाँ का, अवंती का। तो आपको याद रखना है अशोक पहले कहाँ का प्रांतपाल था, तो ये था अवंती का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी महादेवी से हुआ है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं यदि आप किसी किताब में पढ़ोगे तो इसका उल्लेख जो है वो कुमार देवी के रूप में भी हुआ है। तो कुमार देवी भी कहते हैं इसको और महादेवी भी कहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही वो पत्नी थी अशोक की जिससे उसके दो पुत्र, सॉरी एक पुत्र और एक पुत्री, जिसको हम संघमित्रा और महेंद्र कहते हैं, जिनको इस अशोक ने श्रीलंका भेज दिया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, विदिशा की राजकुमारी से ही जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेशनगर विदिशा, जो वेशनगर हम आज विदिशा कहते हैं, वहां से मौर्य कालीन एक यक्ष की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। तो इसके बारे में भी आपको याद रख लेना है, ये पूछ सकते हैं कि मौर्य कालीन यक्ष की प्रतिमा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले से प्राप्त हुई है, तो विदिशा से प्राप्त हुई है। और विदिशा को मौर्य काल में वेशनगर कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अशोक महान हुआ है उसके कुछ साक्ष्य हमें सिर्फ मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो सांची का स्तूप जो है उसने बनवाया था, तो उसके बारे में तो सभी को पता है कि जो सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। और इसके अलावा चूंकि कहाँ पे स्थित है, ये रायसेन में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसको 1989 में सांची के स्तूप को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो सतधारा, अंधेर, सुनामी और भोजपुर से भी इसके हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं अशोक के। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो उसके चार अभिलेख मिले हैं। ठीक, अशोक के जो चार अभिलेख जो हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं साहब, ये मिले हैं मध्य प्रदेश से। तो इनके बारे में लगातार आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहला अभिलेख है रूपनाथ अभिलेख, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, कहाँ पे है, तो ये है जबलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है गुर्जरा, तो गुर्जरा अभिलेख जो है ये दतिया में स्थित है। फिर आता है सारो मारो अभिलेख, और ये जो अभिलेख है ये शहडोल में स्थित है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जा सकता है ये है पनगुड़रिया का अभिलेख, और ये जो है ये सीहोर जिले में स्थित है। हम बता चुके हैं सीहोर बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है, इसके बारे में आपको लगातार इतिहास में जानकारी मिलती है। तो ये चार अभिलेख अशोक के मिलते हैं। यदि आपसे ये भी लिख आप पूछ लेता है, क्योंकि पिछली बार उसने MBPSC ने दशपुर अभिलेख के बारे में पूछ रखा है कि दशपुर अभिलेख जो है ये कहाँ पे है, तो आपको बताना था मंदसौर में स्थित है, है ना। इसी तरह से ये अभिलेखों के बारे में लगातार आपसे पूछा जाता रहा है। और एक और फैक्ट आपको मिलता है कि ये जो गुर्जरा अभिलेख दतिया में हमें मिला है, और एक ये जो अभिलेख है सीहोर वाला पनगुड़ी अभिलेख, इसमें जो है हमें काय की जानकारी मिलती है, अशोक की जानकारी मिलती है। अशोक का अशोक नाम बहुत ही कम जगह मिला है, सिर्फ अशोक का अशोक नाम बहुत कम जगह मिला है। ये दो अभिलेख ऐसे हैं जहां पे अशोक का नाम क्या मिलता है, स्वयं अशोक ही मिलता है, है ना। अलग अलग अभिलेखों में उसके अलग अलग नामों की चर्चा हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो हम प्राचीन जनपद के बारे में बात कर रहे हैं, तो महाजनपद जो है वो जनपदों में बटे हुए होते थे। तो अलग अलग जनपदों के नाम उस समय क्या थे और वर्तमान मध्य प्रदेश में उनके क्या नाम है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अवंती जनपद की। तो अवंती जनपद जो होता था उस समय, उसका जो आज नाम है वो है उज्जैन। ठीक है, मतलब वर्तमान उज्जैन जो है वो उस समय क्या होता था, अवंती का के नाम से जाना जाता था। फिर नेक्स्ट एक जनपद का उल्लेख जो है हमें मिलता है वो है वत्स नाम का, और इसका जो वर्तमान नाम है ये है ग्वालियर। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं चेदी
के बारे में, तो जेद चेदी जनपद के बारे में भी हम बात करते हैं, उसको खजुराहो कहते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनूप देश जो हुआ करता था वो आज का निमाड़ यानी खंडवा वाला जो क्षेत्र है उसको पहले अनूप प्रदेश या अनूप देश जो है वो कहा जाता था। फिर ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा जा चुका है दर्शान के बारे में, दर्शान जो है वो निम्नलिखित में से किसका पुराना नाम है, तो ये है विदिशा का पुराना नाम। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुंडीकेर, तो तुंडीकेर के बारे में भी हम बात करें तो ये पुराना नाम है दमोह का, है ना। तो ये इतने आपको याद रख लेने हैं, पुराने जनपद हैं, है ना, ये पुराने नाम हैं उनके, और ये वाले जो हैं इनके वर्तमान स्थल हैं कि ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मौर्यकालीन कुछ स्तूप भी प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश से, है ना। तो मध्य प्रदेश जो मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं उनके बारे में सिर्फ आपको नाम बस याद रख लेना है। जैसे तुमेन का स्तूप, ये कहाँ पर स्थित है, तो साहब ये है गुना में स्थित। ठीक है, आपसे सीधा पूछा जाएगा तुमेन का स्तूप मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो आपको बता देना है गुना में स्थित है। ठीक है, फिर आता है सांची का स्तूप, सभी को पता है कि हम बता चुके हैं ये कहाँ पे है, रायसेन में स्थित है। सांची के स्तूप का निर्माण महान अशोक के द्वारा करवाया गया था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, 1989 में इसको शामिल किया गया था। दो बौद्ध भिक्षुओं के यहाँ पे समाधि स्थल है। ठीक है, कसरावद का स्तूप, ठीक है, कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, है ना, जिला खरगोन में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पनगुड़रिया का स्तूप, मैंने बताया था अभी अशोक का स्तूप है, ये सीहोर में स्थित है। और एक और ये जो मौर्य काल का एक और स्तूप मिला है, ये है देवर कोठार का स्तूप जो कि रीवा जिले में स्थित है। तो इतने स्तूप जो हैं ये हमें मौर्य काल से प्राप्त होते हैं जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, संभवतः इनकी जो है ये मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके आगे के वीडियो में जो है हम आगे की चर्चा करेंगे, संभवतः मौर्य काल के बाद जो वंश मध्य प्रदेश में जिन्होंने शासन किया है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और गुप्त काल के बारे में भी चर्चा करेंगे कि जो गुप्त एक बड़ा साम्राज्य हुआ है, है ना, उसके कहां कहां मध्य प्रदेश में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।